हेलो टॉरस, वेलकम टू करो मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी जुलाई की फोर्थ वीक की। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस इन द फोर्थ वीक ऑफ जुलाई। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एंड टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर टेन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अजीब बात है। ओके, शायद टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप किसी पर्सन को देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत खुश है, इनके पास सब कुछ है, ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इनके पास आपके बारे में सोचने का वक्त नहीं है, या फिर ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये चीज आपको नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स दे रही है। टॉरस, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया है और आप अकेले इस नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं। इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये जो भी कनेक्शन था आप एक तरफा फील कर रहे थे। यहां ये आपको ऐसा लग सकता है, पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत मैच्योर है और बहुत एक्सपीरियंस्ड है। ओके, इन्हें अच्छे से पता है कि आपको कैसे परेशान करना है, आपको कैसे इतना तंग करना है कि आप तुरंत जाके इनसे कांटेक्ट करें। ओके, ये पर्सन चाहता है कि किसी तरीके से आपको ऐसा फील करवाया जाए जैसे कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है एक्सक्यूज मी, इन्होंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिया हो, सोशल मीडिया पे ज्यादा इंटरेक्शन आपको नजर आ रहा हो इनका दूसरों से, या आपको ऐसा लगता है कि इनके पास कोई ऑप्शन है एक्चुअली में। बट आई थिंक ये पर्सन आपको इरिटेट करने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि आप अपनी फीलिंग्स इनसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि उन्हें पता है कि आप आसानी से ओपन अप नहीं होंगे। आप वैसे भी अपनी फीलिंग्स को जल्दी बोलते नहीं हैं, जब तक आपसे हैंडल हो सकता है आप उसे अपने लेवल पे हैंडल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पेशेंस से परेशान हो गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें कभी भी आपसे कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। और यहाँ कार्ड है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ यहाँ पर आपको स्ट्रांग रहने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग आपस में मैच नहीं कर रहा है। आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप से दूर चले जाना चाहिए, आपका दिल आपसे कह रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, आपका दिमाग कह रहा है आपसे कि जो आप देख रहे हैं उस पर बिलीव कीजिए, आपका हार्ट कह रहा है कि नहीं, कुछ और सच है, इस पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना चाहिए। यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन है जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है डिसाइड करने के लिए। ओके, यहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड्स है और पेंटिकल है, तो हो सकता है आप किसी अर्थ साइन या एयर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द फूल Ace of Cups, excuse me, the Hermit, Ten of Swords, Seven of Pentacles. Okay, so यहां पर the Fool के कार्ड के साथ आपको कुछ एडवेंचरस करने को कहा जा रहा है. शायद इस टाइम आपके लिए इन चीजों को कट ऑफ करना जरूरी है, इस पर्सन से दूर जाना जरूरी है, ताकि आप ये समझ पाएं कि आपके लिए ये रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है. आप इस तरह का बिहेवियर हैंडल कर सकते हैं या नहीं, क्या आप एक ऐसे पर्सन से डील करना चाहेंगे जो अपनी फीलिंग्स बताने के बजाय आपको डिप्लोमेटिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है. और एक्चुअली मैं आप अपने लाइफ से क्या चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है. द फूल के कार्ड के साथ कुछ ऐसा कीजिए जो आपको फ्री होने का एहसास दिलाए. ओके, क्योंकि आप बहुत समय से सैड हैं. कुछ ऐसा कीजिए जो आपके हैप्पीनेस के लिए जरूरी है. हॉलीडे पे चाहिए मे बी, या कुछ हॉबी जो आपको पसंद हो वो कीजिए, या आपको कोई चीज पसंद है उसकी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं. कुछ भी ऐसा जो आप हमेशा से करना चाहते थे और जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देता है. और यहाँ एस ऑफ कप्स है. एस ऑफ कप्स के साथ आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं टॉरस. ओके, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली वो चीजें देगा जो आप पाना चाहते हैं. लेकिन इस वक्त आपके लिए ये डिसाइड करना ज्यादा जरूरी है कि आप पाना क्या चाहते हैं. जब आप डिसाइड करेंगे तभी वो चीजें आप क्लियरली मैनिफेस्ट कर पाएंगे और तभी वो चीजें आपके लाइफ में आएंगी. द हर्मिट के कार्ड के साथ यहां पर आप अकेले हैं, हो सकता है आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो, मगर फिर भी यहां बहुत कुछ ऐसा है जो आप डिस्कवर करेंगे इस अकेलेपन में, अपने बारे में, अपने चॉइसेस के बारे में, अपने लाइफ के बारे में. शायद यहां अकेला रहना आपके लिए जरूरी है. और यहां टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं आप जो रिकवर कर रहे हैं उससे ये पर्सन हर्ट है. ओके, आप जिस हिसाब से अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं, ये पर्सन ये सोच रहा है अभी तक आप टूटे क्यों रहे, इतना कोशिश करने के बाद भी अभी तक आप अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं कह रहे इस पर्सन से, आप पूरी तरह से सरेंडर क्यों नहीं कर रहे. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड है, परेशान है और लॉस्ट है. और यहाँ कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का. सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपका वेट कर रहा है. अगर आपको लग रहा है कि ये कहीं और कमिटेड है या इन्हें कोई और मिल गया है, तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है अभी भी. चलिए देखते आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. Love and acceptance. Love is your, recognize your divine worth, choose loving thought. So आपको कहा जा रहा है कि अपने वैल्यू को पहचानिए. आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए और लव जो है वो आपका है. आई मीन जो भी आप डिजर्व करते हैं वो आपका है और आप डिजर्व करते हैं ट्रू लव. यहां पर आपको अपनी वैल्यू जानने की जरूरत है और अपने आप को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है. तो ये थी रीडिंग आपकी जुलाई के 4th वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.